हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एवरेज औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूं, और 1 से 8 तक का क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैं सॉल्व करा चुका हूं, और 9 से शुरू करने जा रहा हूं। अगर ट्रिक का बात ट्रिक होगा तो ट्रिक से सॉल्व करूंगा, विस्तार से है तो विस्तार से भी सॉल्व करूंगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, बस स्टार्ट करता हूँ। यदि 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा? तो इस तरह से आपका फार्मूला क्वेश्चन दिया गया है, 25a + 25b = क्या है 115। बस इसको क्या करना है, 25 कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन लेंगे, a प्लस बी कर लीजिए और इधर आपका 115 ऐसे रख दीजिए। फिर क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 115/25। क्या किया, इसलिए गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ नीचे हर में 2 का गुणा कर दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये आपका a प्लस बी बटे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 115/50। अब 5 से काट दीजिए, 5 × 2 = 10 होते, 5 × 5 हो जाएगा और 5 × 50 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, आपका a प्लस बी बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/10, ये हो जाएगा 2.3, आपका ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। क्या क्या औसत निकालना था, औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी क्या है, सभी संख्याओं का योग होता है, तो योग क्या है, ए और बी दिया है, सभी संख्याओं का योग और बटे योग और जितनी संख्या है, 1 2 संख्या है, 2 से भाग दीजिए, यही औसत हो जाता है। तो आपका औसत बराबर देखिए, औसत है, पूछ रहा था औसत, a प्लस बी बी बटे 2 का औसत कितना हो जाएगा, तो 2.3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ऑप्शन दिया है 12, 18, 22, 24। तो इस तरह से क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत आपका दिया है, 5 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, औसत आपका कितना दिया है 10। अगर योग पूछेगा, 5 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग क्या हो जाएगा, 10 × 5 बराबर हो गया 50। अब इस संख्याओं में कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, तो इस संख्या में ये आपका 5 में x जोड़ दीजिए और उसका टोटल हो जाएगा 6। 5 दिया है, अगली संख्या क्या है, x जोड़ेंगे तो एक संख्या और जोड़ा तो 6 हो गया, आपका उसका औसत दिया है 12। फिर से देखिए, 5 संख्याओं का औसत 10 दिया है, 5 संख्याओं का योग हो गया 50, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो उसमें x संख्या जोड़ दी जाए तो कितना आपको जोड़ा, x जोड़ा गया है तो टोटल हो गया 6, 6 आपका 12 हो गया। आपको इधर मल्टीप्लाईंगे, 50 + x = 12 × 6, तो 50 + x = 72, x बराबर हो जाएगा 72 - 50 = 22, आपका आंसर हो गया। मात्र कितने सेकंड में, 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, उस संख्या में आपको x जोड़ दीजिए मान लीजिए और उसका औसत कितना हो जा रहा है 12। अब ये आप 5 संख्याओं का औसत था, अब ये आपका एक और जोड़ दिया जाए तो 6 हो गया, 6 से भाग देंगे, इधर भाग दे देंगे, इधर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 72। 50 + x = 72, x = 72 - 50 = 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। हाँ चलिएगा, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने का तरीका, बस आप मात्र 5 सेकंड में ही सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। आपका 7 क्रमागत है, हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, अभी देखिएगा हम ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर x+x + 1 x+2 x+3 x+4 x+5 और x+6, ये आपका 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, आपका टोटल हो गया 33 और इसका इसका बटा कर देंगे आपका 7,
इसको भाग देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से भाग देने पर आपका जो हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है बहुत आसानी से ट्रिक में आप लगातार मेरा वीडियो बना देखते रहिएगा। आप क्या क्वेश्चन कह रहा है, सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसको निकालने का बहुत आसान सा ट्रिक है। क्या कर रहे हैं, सात अंक है, आपको कुटल बीच वाली संख्या दिया है 33। औसत क्या होता है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग और बटे जितनी संख्या उससे भाग दे दिया जाए तो वो बीच वाली संख्या आ जाती है। तो आपका क्या है, बीच वाली संख्या दिया गया है। अब इसके बाहरी इसमें इधर की साइड में आपका बीच का इधर का पता नहीं है, तो इधर क्रमागत संख्या है तो इधर हो जाएगा 32, इधर हो जाएगा 32, ये उधर 31 और आपका इधर हो जाएगा 30 और इधर और आगे बढ़ देंगे तीन संख्या इधर हो जाएगी, ये बीच वाली संख्या है तो तीन संख्या इधर हो गई, इसके वाली संख्या हो गई 34, क्या हो गया 34, 35 और 36, ये हो गया 36। मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए बीच वाली संख्या दिया है, इधर आएगा 32 हो जाएगा, इधर 31 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, इधर क्या हो गया 34 हो गया, इधर 35 हो गया, 36 हो गया, पूछ रहा है कि तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्यों, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 36, आपका डी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाने के इस तरह से लगाएंगे तो आपको पता लगेगा आपको 40 सेकंड से ज्यादा समय लग जाएगा। मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन निकालने, कैसे निकालेंगे, सात क्रमागत संख्या दिया गया है, देखिए सात क्रमागत तो मात्र सात क्रमागत संख्या है, तो ये जो क्रमागत संख्या होती है ये मात्र बीच की संख्या होती है, क्या होती है, सात और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब आपको ये बीच वाली संख्या दिया गया है कितना 33। अब 33 दिया है, इसके बीच इसके आगे तीन है, इसके पीछे तीन है, इसके आगे तीन है, तो इसके आगे क्या है, एक कम कर दीजिए फिर इसको कम कर दीजिए, तो इतना आपका क्या है 32, 31, 30, इसके आगे 34, 35, 36, तो आपका कितना है? पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या 36 हो जाएगी। इस तरह से अगर निकालेंगे तो आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये ट्रिक के माध्यम से। इसे सॉल्व करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि क्या है कि इसको क्या है, सिर्फ क्या करना है, आपको बीच की संख्या दिया गया है, इसके आगे तीन संख्या जोड़ दीजिए, इसके आगे इसके पीछे तीन घटा दीजिए, इसके पीछे एक एक जोड़ दीजिए, सात संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब कह रहा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका 36 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है उसी को लेकर चलते हैं। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्या है, कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें क्वेश्चन क्या था, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइएगा। तो ये ट्रिक के ही माध्यम से सॉल्व करूंगा, विस्तार से करूंगा तो आपका 2 से 3 मिनट लग जाएगा क्वेश्चन। तो देखिएगा चार क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका दिया गया 27, मतलब बीच वाली संख्या दिया गया है, तो इसके पहले क्या है 26 है, 24 है, इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या लेना है आपको, विषम नहीं लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा 28 और 30। अब इसको हटा देंगे, इससे आप कोई मतलब नहीं क्योंकि सम संख्या है। अब चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो आपका ये बीच वाली संख्या था, इसके बाद में सम क्या है, दो संख्या इधर, दो संख्या 24, 26, 28, 30। अब पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप ध्यान दीजिए सबसे बड़ी संख्या 30 है, आपका ये आंसर हो गया। बस इतना ही देर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मात्र कितना 2 से 5 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है विषम संख्या, आपको सम भी बता दिया हूं, विषम संख्या बता दिया हूं और लगातार संख्याएं वाली क्वेश्चन देखिएगा, लगातार भी बता चुका हूं और अब आपका है विषम संख्या की। यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी माध्यम से ट्रिक से ही माध्यम से समझाऊंगा। देखिएगा 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथा संख्या क्या होगा, तो इसको भी कुछ करना नहीं है, आपको 5 संख्या दिया है, आपका विषम संख्या ही ऑलरेडी आपको दे रखा है, आपका विषम संख्या ऑलरेडी दे रखा है, इसके पहले चलिएगा, तो विषम संख्या को लेना है तो इसके पहले लेंगे तो क्या हो 93, 91, इसके बाद में क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 97 और 99, क्या हो गया। अब इसको अवरोही क्रम में कर दीजिए, क्या है अवरोही, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में चेंज कर दीजिए, 99, 97, 95, 93 और 91। अब कह रहा है कि चौथा कौन सी संख्या होगी, आपका चौथा नंबर 3, आपका कितना हो जाएगा, एक और ले लीजिए
ये ई ऑप्शन सही है, आ रहा है क्या दिया है 93, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा 93। देखिए मात्र कुछ करना नहीं है, मात्र आपको 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है और वही क्रम में चौथी संख्या क्या है, तो बीच वाली आपके संख्या दिया गया है बीच वाली। इसका मतलब ये याद रखिए कि किसी भी संख्याओं के बीच वाली जो संख्या होती है उसी संख्या को औसत बोलते हैं। मतलब आपको 4, 5, 6, 7, 8 दिया हुआ है, अगर उसमें 2 से भाग देते हैं तो बीच वाली संख्या आ जाती है। तो ऐसे कह रहा है कि 5 संख्या है, 5 संख्या की बीच संख्या दे रखी है, तो 5 संख्या में से बीच वाली संख्या दे रखी है तो उसमें क्या करेंगे, बीच वाली के आगे वाली संख्या विषम संख्या ले लेंगे, उसके पीछे वाली भी विषम संख्या ले लेंगे। आपको क्या करना है, आप पूछ रहा है कि तो क्या हो गया 95, 93, 91, 97, 99, ये आपका विषम संख्या हो गया। विषम से क्या हो गया, तो क्या रहा अवरोही क्रम में, इसको अवरोही क्रम में 99, 97, 95, 93, 91 कर दिया। अब कह रहा है इसे चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या आपका 93 है, 1, 2, 3, 4 चौथी संख्या 93 आपका ऑप्शन हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी डी चार क्रमागत विषम संख्याएं दी गई है, इनका औसत कितना है 42 है। अब कह रहा है बी तथा डी का गुणनफल बताइए। बस लगातार आप लोग बने रहिएगा, आप बस फ्यू सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखिएगा ए बी सी डी का है, आपको दिया गया है बीच वाली संख्या आपका दिया 45, कितना है 45 दिया है। इसके पहले 41 हो जाएगा, इसके पहले 39 हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा 43 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 45। आपको बीच वाली संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, हमको दो संख्या आ गया है विषम संख्या इधर ले लेंगे, दो संख्या विषम संख्या है, चार संख्या हो गई है। पूछ रहा है कि बी और डी का मान बताइए, बी और डी का गुणनफल बताइए, तो बी आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इससे आप कोई मतलब नहीं है। बस इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 441 गुणे 45 इसका गुणा करेंगे तो 1845 आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बस मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी तथा ई का औसत का है 66 है, बी तथा ई का गुणनफल बताइए। तो आपको मान लीजिए बीच संख्या दे रखी है, कितना है बीच संख्या 66 दे रखी है, 66 देखिए सम संख्या है, इसके पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 64, इसके पहले जाएंगे 62, अब इसके आगे चलते हैं ये हो जाएगा 68 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 70, क्या हो गया 70 आपका मान हो गया, पांचों मान निकले, 5 क्रमागत सम संख्या तो बीच वाली संख्या आपका दे रखा है कितना, मध्य वाली संख्या दे रखा है, इसके पहले 2 अंक कम कर दीजिए, आपको सम संख्या ले लीजिए 64, 62, इसके फिर 2 अंक आगे बढ़ा दीजिए 68 और 70। अब कह रहा है बी, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, बस आपको बी और ई का गुणनफल कर दीजिए। इसका दोनों का गुणा करेंगे 64 गुणे 70 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 7 चौक 28, 6 सत्ते 42 और 2 44, ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर आपका ई आंसर आ गया। मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कुछ करना नहीं, बीच वाली संख्या दिया गया है, इसका सम इधर वाली दो संख्या लीजिए, सम इधर वाली लीजिए, जिसका कह रहा है ए बी सी डी ई का मान आ गया, बी और ई का गुणनफल कह रहा है तो बी और ई का गुणा कर दीजिए, आपका 4480 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस तरह से आपका 15 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।